हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने वो सीखा था कि बाइनरी को कैसे डेसिमल में करते हैं, पर डेसिमल को बाइनरी में इस वीडियो में करना सीखूंगा। तो चलो बिना कोई देरी करे हुए चलते हैं। तो अगर कन्वर्ट करना होता है तो दो मेथड्स होते हैं, एक होता है सब्ट्रैक्शन मेथड और एक होता है सक्सेसिव मेथड। इस वीडियो में मैं सब्ट्रैक्टिव मेथड बताऊंगा। ओके, तो चलो करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने लिया 75 लिया। अब हमें पूरी एक बार लिखनी पड़ेगी 2k पावर्स। 2 × 0 कितना होता है? 0। 2 raised to the power 1 कितना होता है? 2 raised to the power 2 होता है 4। 2 raised to the power 3 होता है 9। ऐसे ही करते करते हमें पूरा लिखना है। 9 के बाद आता है 2 raised to the power 4, वो होता है 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। अब हमें ये जानना है कि सेवेंटी फाइव से बड़ा कौन सा है? 128। तो हमें इससे आगे नहीं जाना है, तो हमें लेना है 64 हमने लिया प्लस, ये ले लिया। अब 75 - 64 कितना होगा? 4, ये कितना होगा? 11। ये होगा 11, ठीक है। तो हम अब ये यूज कर रहे हैं, हमने यहाँ लिख लिया 64। इससे बड़ा अब आएगा ये नंबर, तो 11 से बड़ा अभी यहाँ 16 था, 16 था, ठीक है। तो अब 16 था 11 से बड़ा, यहाँ 11 आया था आंसर। तो हम इस बार लेंगे 9। तो 11 माइनस 9 कितना होगा? 3 होगा। 3 से बड़ा तो 4 है, पर हमें लेना है 2। 3 - 2, पहले हम लिखते जाते हैं ना, 11 प्लस, फिर आया था कितना? 11 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2। अब आया, अगर ये करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। तो ये आ गया 1 प्लस। वैसे रुको, इसमें कुछ पर प्रॉब्लम आ गई है। ये एग्जांपल मैं मिला कि एक दूसरा एग्जांपल आता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेते हैं पहले, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। हम लेंगे इस बार 50। हमने लिया था पिछले वीडियो में 50 आया था आंसर एक का, तो अब देखते हैं वही आंसर वापस आएगा कि नहीं। पिछले वाले वीडियो में आया था आंसर 100101, ये इक्वल हुआ था 50 में। अब देखते हैं रिवर्स करके देखते हैं,
चलो हमें लिखना है पीआर डी से छोटा कौन सा होगा 16 32 64 हो गया 50 से बड़ा तो हम इस बार लेंगे 32 लेंगे 32 लेंगे हम इस बार 32 तो 50 माइनस 32 कितना होगा 28 आया आंसर अब 28 से बड़ा होता है 32 और उससे छोटा होता है 16 मतलब 28 में से 16 माइनस करा तो कितना आएगा आंसर 28 ये आएगा 12 से बड़ा होता है हम लिख लेते हैं 12 आया था याद रखता 28 के बाद क्या आया था 16 प्लस भी आया था 12 तो 12 से बड़ा होता है 16 और 12 से छोटा होता है 8 और 12 माइनस 8 कितना होगा 4 होगा 12 माइनस 8 होगा तो हमने निकाल लिया था पहले ही 4 से बड़ा 8 होता है तो 4 माइनस 2 तो हम लिखेंगे 2 अब ये आ गया हमारा ये आ गया ठीक है 1 ये सब होगा अब ये सब मिटा देते हैं अब हमारा क्या आया था हमारा आया था 32 आ गया था एक बार आ गया था ना 16 आ गया था 8 भी आ गया था 4 भी आ गया था 2 भी और 1 भी तो हमेशा अगर लिखेंगे तो 32 का माना जाएगा 1 16 का माना जाएगा 1 8 का 1 4 का 1 2 का 1 1 का 1 ठीक है ये आंसर 1 1 1 1 हमने ये डिफरेंट आंसर आ गया क्योंकि हमें ये दूसरे सब्ट्रैक्टिव मेथड से आया था इसलिए सक्सेसिव मेथड से करते तो आ जाता तो चलो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो जब तक के लिए बाय